हे गाइस, दिस इज़ BS ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं चिनाब नदी पे आपको लेके। ये देखिए नीचे जो चिनाब अभी दिख रही है आपको, अभी जा रहे हैं हम। ये देखिए बैग शैग हमने उठा लिया अपना, बैग पैक। तो अभी पूरी तैयारियों में यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए रोड पे जा रहा हूँ अभी, यहाँ से थोड़ा आगे से नीचे हो जाऊँगा, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा मुझे नीचे जाते हुए। लेकिन आज हम आपको पूरे जंगल के रास्ते जो चिनाब नदी है नीचे गाइस, उस पर लेके जाऊँगा और सारे रास्ते की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फर्स्ट ब्लॉग है मेरा गाइस, देखना ये कैसा, आप इसको कितनी सपोर्ट करते हो और अपने भाई के चैनल को इतना सपोर्ट करते हो। तो चलो चलते हैं। देख लीजिए गाइस, वो नीचे जाना है, मैंने यहाँ से होते हुए जाऊँगा इस तरफ से। पूरे रास्ते की वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ और कुछ बातचीत करेंगे नीचे गाइस। एक दो सुरंग भी है जो मुझे पता चला है कि वहाँ पर है, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। नीचे खाई देख लीजिए गाइस कितनी है यहाँ से। तो साथ ही साथ में रास्ते में मैं कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ जो मेरी पर्सनल हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर दो तीन गाय अभी घास खा रही हैं साइड पे, रोड के साइड में। तो बताते हैं कि यहाँ पे गाइस जिसे लैपर्ड कहते हैं जंगल में रहता है और मवेशी वगैरह जो इंसानों पे भी अटैक करता है, तो वो उसकी बात भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। वो देख लीजिए नीचे से होके जाना है मैंने वहाँ से, अगर आपको दिख रहा है इसमें तो उसकी भी बात करेंगे आपको। जब वहाँ से निकलेंगे तब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। नेक्स्ट जो इससे पीछे वाला साल चला गया गाइस, उसमें आपको बता दूँ कि मैं वहाँ पर अपने दो बैल लेके गया था गाइस, और आगे की बात वहीं से करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे बहुत धूप है गाइस, आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी धूप पड़ रही है। तो चलो वहाँ से नीचे उतरेंगे जब जंगल की साइड में, तब वहाँ से आगे बात करेंगे। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं वो यहाँ से नीचे जंगल में एंटर करना है मैंने, उस तरफ आ चुका हूँ मैं। यहाँ से देख लीजिए ये नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं यहाँ से नीचे, और ये घना जंगल है नीचे, तो इसमें से होते हुए नीचे जाऊँगा मैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस बता दूँ मैं कि मैंने ये आज जो आपको वीडियो आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आया हूँ साइड में गाइस, ये आपको बता दूं कि किस क्यों लाया हूँ मैं, क्योंकि गाइस पहले मैं ब्रिज के रिलेटेड ही वीडियो डालता था। लेकिन भाई सीधी सी बात बता दूं कि पहले मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में आगे पीछे घूमता था, आपको बता दें कहीं कहीं चले जाता था, कहीं पर ब्लॉगिंग ही नहीं करता था। एक आपको ऐसे कि जो ब्रिज है वर्ल्ड टालेस्ट रेल ब्रिज और जम्मू कश्मीर में जो USBRL का USBRL का जो प्रोजेक्ट चल रहा है गाइस, उधमपुर बारामूला रेल लाइन है, उसके रिलेटेड ही आपको अपडेट करता था। लेकिन गाइस बता दूं कि उसमें मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी और कोई कुछ नहीं हो रहा था। एक टाइम पर मैंने सोचा कि भाई सब कुछ बंद करके यूट्यूब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ। यार आप लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से भाई बिलोंग करते हैं वो समझते होंगे कि भाई ये कितना ही मुश्किल होता है, क्योंकि गाइस घर में मम्मी पापा और भी फैमिली में लोग होते हैं गाइस। आखिर मैं घर में आपको बता दूँ कि पर्सनल मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो उनको बता दूँ मैं घर में सब सिस्टर्स में और भाई में बड़ा हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है गाइस। पापा को इतना बड़ा काम नहीं करते हैं, तो सब खर्चा जो घर का मेरे सिर पे ही चलता है। तो उससे क्या हो रहा था कि भाई जो घर का था माहौल था वो ख़राब हो जा रहा था, क्योंकि मैंने काम वाम छोड़ दिया था और सिर्फ ब्लॉगिंग के चक्कर में पड़ा हुआ था कि भाई वहाँ पे कुछ मेरा करियर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, जितनी देर मैंने वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया। तो फिर एक दिन मुझे लगा कि भाई मैं सब कुछ बंद ही कर दूँ वीडियो शीडियो बनाना, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था गाइस, क्योंकि कितने मेरे बाद के यूट्यूबर हैं गाइस वो आज कहाँ पहुँच गए और मैं वहीं का वहीं पे था। तो फिर जब वापस से मैंने गाइस वो अपनी जॉब ज्वाइन की जो पहले थी, आपको बता दें हम काम क्या करता हूँ गाइस, मैं वाटर सप्लाई में काम करता हूँ, जो वाटर सप्लाई होती है जिसमें पानी हम जो है नीचे चिनाब नदी है वहाँ पर एक सोर्स है गाइस, वहाँ से हम पानी को ऊपर की तरफ मोटर्स लगी हुई हैं वहाँ पर, हैवी मोटर्स हैं, और उनके ज़रिए हम वहाँ से पानी को वो एक जगह पे शिफ्ट करते हैं। वो सारी लोकेशन बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, और वहाँ से जहाँ जो हमारा एक NHPC का बहुत बड़ा ऑफिस है गाइस, जैसे कि डिवीज़न जिसे कह सकते हैं आपकी, एक बड़ा वहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई हैं, अफसर रहते हैं वहाँ पर, इंजीनियर रहते हैं, उनके लिए हम वहाँ पर वाटर सप्लाई करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता हूँ मैं गाइस, अभी हाल ही में ही लगा हूँ। तो फिर से थोड़ी सी उम्मीद जाग गई गाइस कि नहीं मैं पार्ट टाइम में आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग भी करूँगा। तो सोचा कि चलो आज फर्स्ट डे है मैं काम पे जा रहा हूँ। तो दो दिन पहले मैं दूसरी साइड पे गया था गाइस, वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आपको नीचे जाना है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि भाई बहुत घना जंगल है यहाँ पर, और इसीलिए डर भी लग रहा था। लेकिन अब मैं आज सुबह आपको बता दें निकला हूँ, अभी 8:30 के करीब का टाइम हो रहा है,
तो निकल चुके हैं, तो चलो चलते हैं नीचे का जितना भी व्यू होगा गाइस, जो भी होगा रास्ते में वहाँ हम आपको दिखाते चलेंगे। और 3 दिन वहाँ पे रुकेंगे, हम क्या खाते हैं वहाँ पे, क्या बनाते हैं, ये सब आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में। तो चलो चलते हैं, यहाँ से मैं कुछ आगे की तरफ का दिखाऊंगा आपको, गेट है जो नीचे जाते हैं यहाँ से, हम वो भी दिखाने वाले हैं। और नीचे एक नंबर 1-3 स्टेशन है गाइस हमारे इस साइड जंगल पे, बता दें 2 स्टेशन है, 1-0 और 1 नंबर, और उससे कशारियाँ, फिर जरबायर और फिर ज्योतिपुरम, ये 4-5 स्टेशन है हमारे। और अभी फ़िलहाल मैं अभी 1 नंबर स्टेशन है जो हमारा स्टार्ट होता है वहाँ से, वो वाला दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे जितने मेरे दोस्त हैं उन सभी मिलाने वाला हूँ आपको, 2 बंदे वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे उन सभी आपको मिलाऊंगा। तो चलो चलते हैं, ये देख लीजिए गाइड, ये है गेट, यहाँ से हम इंटर करेंगे अंदर की तरफ, यहाँ गेट खोला है और ये अभी हम इंटर हो गए। यहाँ पर देख लीजिए हमारा 1 नंबर वाला स्टेशन आ चुका है, और हम एकदम सरप्राइज़ विज़िट करेंगे इसमें अंदर। इधर कौन कौन है ये हम किसी को कानों कान खबर नहीं होने देंगे, और क्या कर रहे हैं हमारे भाई वहाँ पे अंदर, ये सब वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। गाइस वीडियो लंबी होगी लेकिन ज़रूर देखना मेरे भाई, 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ का। तो ये देख लीजिए गाइस, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर स्टेशन है गाइस, ये देख लीजिए, ये स्टोर जिसमें पानी स्टोर करते हैं गाइस वो है, और वाटर टैंक ये वाला, और यहाँ पे अंदर मोटर्स लगी हुई हैं जो मोटर हॉल है गाइस जिसे कह सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये स्टाफ रूम है, यहाँ पे हमारे स्टाफ के बंदे रेस्ट करते हैं, अभी हम यहाँ पे जाएंगे नीचे। और ये हमारे दिलीप भाई हैं देख लीजिए, तो ये हमारा अंदर का देखिए पंप हॉल, यहाँ से मोटर ऑपरेट करते हैं गाइस हम, अभी हम आगे अपने दोस्तों से मिलाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं 1 नंबर जो स्टेशन है गाइस, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं दिलीप जी, दिलीप जी है बोलिए हाय। ये वहाँ यहाँ पे पहले से आप 2 दिन से हैं? हमने 2 दिन से, आज तीसरा दिन ही आ जाओ। हाँ ये इनका आज तीसरा दिन है गाइस, तो ऐसे ही मैं भी जा रहा हूँ नीचे, मेरे भी वहाँ पे 3 दिन होने वाले। तो दिलीप भाई 3 दिन से आओ यहाँ पे, तो कैसा गुजर रहा है यहाँ का टाइम, नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ कैसा है यहाँ पे? नेटवर्क ठीक ही है, फ़ोन में नेटवर्क वर्क आता है? हाँ नेटवर्क आता है। हाँ तो भाई देख लीजिए, और अभी ये देख लीजिए साइडों में इनके जो देख सकते हैं ब्लैंकेट रखे हुए हैं रात को सोने के लिए गाइज, ये देख लीजिए ये ड्यूटी रूम है, यहाँ पे रेस्ट भी होती है, और रात रात को जाग के यहाँ से हम काम भी करते हैं, पंपिंग ऑपरेटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए हमारे गॉड भी रहते हैं, ये छोटा सा मंदिर भी है, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है गाइज, जहाँ पर मर्जी चले जाओ आप इसलिए। तो दिलीप भाई खाने में क्या बनाया सुबह, ब्रेकफास्ट में क्या है अभी? अभी चावल बनाए हैं, साथ में सब्जी बनाई है। हाँ तो दिलीप भाई ने सब्जी बनाई है, चावल है, अभी हम आपका इनका किचन दिखाएंगे आपको, तो चलो किचन में लेके जाता हूँ आपको। ये इस तरफ देख लीजिए, ये किचन है हमारा छोटा सा इन भाइयों का, और देख लीजिए भाई घर से बाहर जब काम करते हैं तो ऐसे ही होता है। और देख लीजिए ये है किचन, यहाँ पे हीटर्स आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, ये देख लीजिए दिलीप भाई ने चावल है, सब्जी है, मिक्स बनाया हुआ है बहुत बढ़िया। और इस तरफ देख लीजिए कितना ही जो सिस्टम है, सब कुछ रखा हुआ है गाइज यहाँ पे घर से आके, और यहाँ पे अपना ही सब कुछ बनाना पड़ता है गाइज, आके 3 दिन रहना है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। तो चलो ये आपने हमारा दिलीप भाई का किचन देख लिया, यहाँ पे हर टाइम शिफ्ट 2-3 दिन के बाद चेंज होती है गाइज, दूसरा बंदा आ जाता है यहाँ पे। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, मैं लेट हो चुका हूँ पहले ही गाइज, तो मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है जाके, तो चलो चलते हैं गाइज। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये दिलीप भाई हैं हमारे, आपको बताएंगे यहाँ से नीचे कितना रास्ता है। दिलीप भाई कितने किलोमीटर होगा नीचे? नीचे कम से कम 2.5 किलोमीटर तो है, 2.5 किलोमीटर नीचे। हाँ तो रास्ता कैसा है नीचे? रास्ता ऐसे जंगल, कितना जंगल है, ज़्यादा है कि कम है? जंगल तो ज़्यादा ही है। तो ऐसे सेफ है जहाँ नीचे जाना रास्ते में? तो लेफ्ट का थोड़ा बहुत खतरा है, जहाँ पे लेफ्ट। हाँ देख लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जंगल बहुत घना है, तो घने जंगल की वजह से लेफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जो जिसे हम चीता कहते हैं, जंगली बिल्ली गाइस पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं अपनी इस गाँव में भाषा में आपको बता दूँ ये कुछ कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, तो दिलीप भाई ओके ऑल द बेस्ट, और हम निकलते हैं मिलते हैं। आप कब जाओगे घर में? कल चल जाएंगे आपका, ये कल चले जाएंगे हम, कल वहाँ रहेंगे, परसों हम 3 दिन के बाद आएंगे, जो भाई यहाँ पे होंगे उनसे ही मिलाएंगे, ठीक है? तो चलो अभी नीचे चलते हैं, ओके दिलीप भाई ओके निकलते हैं फिर, बाय। तो वह गाइस निकल रहे हैं हम यहाँ से, तो बस ये नींबू का पेड़ है आप देख सकते हैं, यहाँ से ले लेता हूँ 3-4 में, जो लेमन टी बनाएंगे गाइस नीचे जाके। और ये देख लीजिए ये एकदम हरा भरा रहता है गाइस, तो लेकिन अभी इस पे से निकाल दिए गए हैं,
ले गए हैं कुछ हमारे दोस्त यहाँ से। और यहाँ पे गाइस इस जंगल में ना आपको जंगली मुर्गे भी मिलेंगे, आपको बता दें। ये फेंसिंग लगाई हुई है, ये फेंसिंग इसीलिए लगी हुई है गाइस ताकि रात को जो भी जंगली जानवर अंदर ना घुस पाए। अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, ये देख लीजिए, इस तरफ देख लीजिए कुछ कितना जंगल है गाइस। मेरा तो पोपट होने वाला है जंगल में आज, पहला एक्सपीरियंस कैसा होता है ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। अभी दिलीप भाई मेरे नींबू तोड़ रहे हैं, तीन चार, बोला उनको कि तोड़ दीजिए, तीन दिन स्टे करेंगे तो भाई वहाँ पे लेमन टी चलेगी। और एकदम ठंडी हवा गाइस वहाँ पे, पानी के साइड में, दरिया के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, मज़ा ही आने वाला है आप लोगों के साथ। तो चलो चलते हैं। तो भाई निकल चुके हैं यहाँ से, अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ये वो अभी शर्ट देख रहे हैं गाइस, ये स्टेट का स्टेट वाटर सप्लाई है गाइस उनका है, और ये अभी बंद है यहाँ पे, उनका जो स्ट्राइक चल रहा है उसकी वजह से ये बंद है। और अभी नीचे जा रहा हूँ गाइस, यहाँ से इतनी उतराई है गाइस, नीचे ढलान है कि सीढ़ियाँ उतरते उतरते टांगे कांपने स्टार्ट हो जाती हैं गाइस, इतनी ढलान है। मगर आपको बता दें कि जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता था गाइस वो ये है कि जो पहले वाली बरसात थी गाइस पिछले साल की, आपको बता दूँ मैं, उस बरसात में मैं यहाँ पर आया था ऐसे ही, मेरे दो बैल थे गाइस, आपको बता दूँ हम गाँव में रहते हैं तो बैल गाय भैंसा ये सब कुछ रखते हैं गाइस, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं लेके आया था यहाँ पे, तो मेरे बैल तो गाइस एक अच्छा हटा कटा था, लेकिन एक जो था थोड़ा सा कमज़ोर था गाइस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, आप देख सकते हैं साइडों पे कितना घास है, और नीचे डाउन में तो और भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ में यहाँ पे पीने के लिए पानी वानी सब कुछ है, जो जानवर है गाइस आराम से रह सकता है यहाँ पर। तो इस तरफ भी दिखा दूँगा आपको, ये प्लेन एरिया है पूरा नीचे तक का, बीच बीच में से, लेकिन साइडों में बहुत घना जंगल है। तो यहाँ पे लेके आया था गाइस, मैं सोचा यहाँ पे घास वास खाएंगे अच्छी तरह से तो ठीक हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा, तीन चार महीने रहेगा यहाँ पे। लेकिन गाइस मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लेपर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बोला जंगली बिल्ली रहती है यहाँ पे, तब नहीं पता था मेरे को। तो गाइस मैंने वो लेके मैं यहाँ पे आया और यहाँ इसी रास्ते से नीचे लेके आया उसको मैं यहाँ तक। और अभी देख लीजिए यहाँ पे पानी है, आप दिख रहा है आपको, ये बहता हुआ पानी है गाइस। और ये देख लीजिए पूरा रास्ता, ये पानी नीचे बहता हुआ जा रहा है इस नाले में इस तरफ। तो गाइस मैं लेके यहाँ पे आया, जैसे ही मैं यहाँ पे आया मैंने गाइस यहाँ से, अभी आपको लोकेशन बताऊँगा, यहाँ से मैंने उनको जंगल में, जंगल के बीच में छोड़ा था। तो आगे का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अभी आपसे मैं, तो बहुत मज़ेदार बात होने वाली है गाइस आप लोगों के साथ। यार वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और सपोर्ट करना यार, ये फर्स्ट ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं साइड वाला आपको बताने, ऐसे तो मैं अपडेट करता रहता हूँ किसी किसी चीज़ पे आपको, लेकिन आज की जो मेरी पहली वीडियो गाइस देख लीजिए गाइस कितनी घनी जंगल देख लीजिए कितना घना है यहाँ पे। नीचे देखिए अंधेरा छाया हुआ चारों तरफ, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए पूरे पेड़ ही पेड़ हैं छोटे छोटे, और ऊपर से बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आप लोगों को पता है कि कितने ही ज़्यादा हरियाली होती है चारों तरफ, और यहाँ पे तो एकदम घना जंगल ही जंगल है। तो इस तरफ देख लीजिए, अगर आपको बीच बीच में देखो कितना अंधेरा दिख रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे आया गाइस, अपने दोनों बैल को लेके आया, और यहाँ से अभी मैं लोकेशन दिखाऊंगा आपको कहाँ पे मैंने उनको छोड़ा था। ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा रुक के मैं आपको बताऊंगा, ये देख लीजिए प्लेन एरिया यार, यहाँ से नीचे गाइस, यहाँ से नीचे उतारा उनको, ये यहाँ पे छोड़ दिया, मैं वापस चला गया गाइस। तीन चार दिन के बाद वापस आया गाइस, तो मुझे मेरा एक बैल दिखता है लेकिन एक नहीं दिख रहा था। तो जब ऊपर से आया, यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ गाइस, वहाँ पर आया मैं, तो मैंने देखा कि भाई वहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसे स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगी। तो गाइस फिर मैं नीचे आया, यहाँ पे पूरे स्टेशन जो ऊपर है गाइस, यहाँ पे मैं पहले नहीं काम करता था अभी से, तो वहाँ पे देखा मैंने कुछ नहीं मिला, पूरा एरिया गाइस ये देख लीजिए जंगल है जितना, ये पूरा छान मारा मैंने ऊपर इस तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरफ और चारों तरफ, मुझे नहीं मिला वो। तो फिर यार यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भाई यहाँ पे स्मेल आ रही है, मैं उस तरफ मुँह पर हाथ रख के गाइस मुँह बंद करके अपना थोड़ा उस तरफ निकल गया, वो एरिया अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला घना जंगल, उसमें उसमें निकल गया गाइस इसी नाले के बीच बीच में से। तो जब गाइस वहाँ पे गया मैं, मैंने क्या देखा गाइस, मैं तो दंग रह गया एकदम से कि गाइस वहाँ पे जो मेरा बैल था उसको पूरी तरह से मार दिया गया था। और वो मरा कैसे था गाइस, जहाँ से जो उसकी गर्दन थी गाइस वहाँ से पकड़ के उसको पूरा इतना इतना
जो था वो खा दिया था उसने, खाया हुआ था जो लेपर्ड ने। और भाई मैं पहुंच तो गया, इतना इतना करीब गाइस पहुंच गया मैं, जैसे कि ये देख रहे हो आप और ये मैं खड़ा हूँ इधर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसको देखा गाइस, पहले तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार मेरा बैल मार दिया, लेकिन गाइस जब 10 मिनट के बाद मेरा दिमाग चला कि भाई हो सकता है वो यहाँ पे बैठा हो कहीं पे, तो मेरे पे भी पड़ जाए, तो भाई मेरी जो हालात थे गाइस वो एकदम टाइट हो गए। इतना डर गया गाइस कि बस अब तो तेरा कांड हो गया भाई, अब तू कैसे बचेगा। जैसे गाइस ये ख्याल मेरे मन में आया, तो मैंने सीधा गाइस कुछ देखा नहीं आगे पीछे, पेड़ों के बीच में से ऐसे कूदा हूँ गाइस और आके यहाँ पे निकला मैं नीचे। सीधी सी बात बताऊँ आपको, वो ऊपर से चला था और यहाँ पे निकला आगे नीचे प्लेन एरिया है वहाँ पे गाइस। तो जो दूसरा बैल था गाइस वो इतना डरा हुआ था कि वो खुद ही भागते भागते घर भाग गया। तो मेरा एक बैल था गाइस वो हो गया था बेचारा डेड, उसको मार दिया था उसने। लेकिन आज फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं डर रहा हूँ गाइस कि इस रास्ते पे बहुत रिस्क है गाइस। हमारी टीम भी आती है यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन वो 5-5, 6-6 बंदे होते हैं और उनके हाथों में ऐसे हथियार होते हैं, जैसे कि वो जैसे आपको कुल्हाड़ी समझ लो, हथौड़ा समझ लो, जैसे काटने वाली वो लेके आते हैं, झाड़ी झुड़ियों में काट देते हैं, और साथ में वो लेपर्ड से भी थोड़ा सेफ रहता है, तो इसीलिए हथियार लेके आते हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने गाइस आप लोगों के साथ शेयर किया है। जैसे आपको बता दूं गाइस, बहुत सारी वीडियोस देखता हूं मैं, वहां पे छोटी छोटी बातों को लोग बोलते हैं लेकिन उनकी वीडियो बहुत वायरल होती है। हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले गाइस, देख लीजिए ये देखिए अभी कितना पसीना आ रहा है मेरे को, ऊपर से नीचे आ गया हूं और एक छोटी सी छोटी बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो चलेगी। मुझे वही पता है कि यही खींच के 200-300 तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन गाइस अगर आपको ये भी वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर अपने सुझाव ज़रूर देना मुझे कि क्या मैं चैनल को बंद कर दूं, क्या मैं BS ब्लॉग बंद कर दूं, क्योंकि गाइस अगर मुझे कुछ फ्यूचर पाना है तो यहीं से है, और अगर नहीं पाना है तो फिर क्या करूंगा गाइस। कुछ मैं मेहनत कर रहा हूं इसी वजह से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। अभी इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूं गाइस, कोशिश बहुत करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी कंटेंट देने की कोशिश करूं, जैसे और यूट्यूबर है गाइस वो देते हैं, मैंने वैसे ही कोशिश की। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं गाइस कि जिनकी वीडियो यार कुछ भी नहीं होती है, लेकिन भाई 1-1 लाख को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है गाइस उसको जल्दी कुछ नहीं मिलता, ये तो मेरे को पता है। सच्ची मेहनत करने वाले बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। चलो आप पे डिपेंड करता है गाइस आप कितनी मुझे सपोर्ट करते हो, वीडियो को सपोर्ट करते हो, मेरी व्लॉगिंग जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है मैंने अभी यहाँ से, उस पर कितना सपोर्ट करते हो, क्योंकि गाइस अभी तक मैं जहाँ जहाँ पे गया हूँ ना आपको बता दूँ, हो सकता है मुझे एक्सपीरियंस ना हो व्लॉगिंग का, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मैं और उसमें सुधार लेके आऊँगा, सीधी सी बात है। और भी ऐसी ऐसी लोकेशंस आपको दिखाऊँगा जम्मू कश्मीर में, मैं तहे दिल से आपको कहता हूँ कि मैं ज़रूर दिखाऊँगा, और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे गाइस। कितनी देर हम आपको ब्रिज के रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे, रेलवे का जो ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रियासी बक्कलकोड़ी में, वर्ल्ड रालिस्ट रेल ब्रिज है गाइस, वो कितनी देर रहने वाला, कितनी देर उसका काम होने वाला, एक ना एक दिन तो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या फिर हम उसके बाद अपना चैनल बंद कर दें? क्या आप लोग ये चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूँ, अपडेट्स करना बंद कर दूँ? अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी मेहनत करूँगा गाइस, जो अभी देख सकते हैं आप, ये जा रहा हूँ मैं अभी नीचे उतराई करके, ये देख लीजिए यहाँ से नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे जाते जाते टांगे इतनी कांपना शुरू हो जाती हैं गाइस कि क्या बताऊँ, कि होश तक नहीं, ऐसे ऐसे कांपती, इतनी ढलान है यहाँ पे। और जंगल भी देख लीजिए कितना है, अभी 3 दिन मैं रुकूँगा गाइस, हो सकता है 20-25 मिनट की वीडियो हो जाए ये, लेकिन भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। और चलो अभी मैं नीचे लेके चलता हूँ, आपको बहुत बातचीत हो गई, बहुत पीछे से बात करना स्टार्ट हुई क्योंकि कुछ ऐसी बात थी जो आपसे शेयर करनी थी, तो कर दी है। अभी हम नीचे चलेंगे, तो हो सकता है 2 वीडियो भी हो सकती हैं गाइस, 3 वीडियो भी हो सकती हैं। सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना जरूर, एक्सपीरियंस शेयर करना कि जंगल में हम जाते हैं जब तो कैसा लगता है और क्या क्या होता है नीचे जंगल में, तो ये देख लीजिए। और कुछ भाई मेरे बोलेंगे भाई जंगल में मंगल भी होता है, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में आके करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी सल्यूट है, करो कोई बात नहीं, ऐसे ही कमेंट जरूर करना भाई कि वीडियो में, कि वीडियो कैसी बनी और हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कैसा रहा। तो चलो चलते हैं, फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं चिनाब नदी के किनारे, और यहाँ देख लीजिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, देख लीजिए। और
अगर इस तरफ दिखाऊँ, अगर आपको चिनाब दिख रही है बीच में से, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, देख लीजिए। अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नीचे जाके दिखाऊंगा मैं, तो देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना ज़्यादा पसीना आ गया गाइस ऊपर से आते हुए। तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश की मैंने ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ, तो दौड़ के और भाग के आया, पूरा वीडियो में आपको दिखेगा। तो अभी नीचे जाएंगे, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जो पहले थे, उनके पास जाएंगे और विजिट वहाँ का बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पे धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि अभी बहुत ही घने जंगल में हूँ, इसलिए डरा हुआ हूँ कि कहीं कुछ अलग ना हो जाए, तो तभी मैं धीरे बोल रहा हूँ। तो चलो नीचे चलते हैं और वहाँ पर जाकर बातचीत करते हैं। फाइनली गाइस ये देख लीजिए हमारा गेट है, जो इसे अंदर एंटर किया है मैंने यहाँ से, ये वाला गेट है। रात को हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, ये नीचे हमारा स्टेशन है इधर, और अभी मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहा हूँ। अभी देखिए स्वेटिंग कितनी हो गई, ये देख लीजिए कितना मैं भीग चुका हूँ पूरी तरह से। तो ये देख लीजिए, ये हमारा सोच है जैसे मैंने बताया, ऊपर से यहाँ पे आके इसमें समा जाता है, और यहाँ से नीचे जो पाइप देख रहे हैं अभी, इसमें से होता हमारा वाटर टैंक में जाता है। तो गाइस आप बता दूं कि बहुत ही मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे उतर के नीचे आया हूँ इतने दूर से, तो चलने में भी मज़ा आया एकदम, कुछ खास रहा आज का एक्सपीरियंस। और अभी हम पहुँच चुके हैं, जैसे इससे मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे, ये देख लीजिए ये हमारा स्टेशन है, और यहाँ से हमारा रूम है, इस तरफ उस तरफ का देख लीजिए पूरा दिखाऊँगा। तो अभी आया हूँ, थोड़ी सी रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर से हम आगे वाला जो है वीडियो लाइव वो स्टार्ट करेंगे। और अभी चलते हैं नीचे, देख सकते हैं अभी फ्रेश होना, थोड़ा नहा धो के मैं रेस्ट करूँगा, टांगों में पूरी तरह से दर्दें हो चुकी हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम गाइस इतनी दूर से ऊपर से नीचे आया हूँ। फर्स्ट टाइम ही पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन बहुत देर के बाद, डेढ़ दो साल के बाद मैं ऐसे रास्ते ऊपर साबड़ से नीचे उतर के आया हूँ। तो गाइस टांगों में एकदम खलबली मची हुई है, तो अभी रेस्ट करेंगे, खाना बनाएंगे। ये बैग देख रहे हो गाइस मेरे पीछे, इसमें चावल सब कुछ खाने का जो सामान है गाइस हमने लाया हुआ है। तो तीन दिन यहाँ पे रुकेंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो चलो, तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं हम सुबह यहाँ पे आए थे, तो देख लीजिए मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, दूसरे लगाए। अभी टाइम बता दें आपको, 6:30 का टाइम हो रहा है। अभी ये देख लीजिए यहाँ से जो थोड़ा सा पानी है, और यहाँ देख लीजिए गाइस जो ऊपर से सोर्स आता है, इसके बीच में आकर पानी स्टोर होता है, यहाँ से आगे जाता है। अभी हम आपको एक जगह पे लेके जाने वाले हैं चिनाब के किनारे, वहाँ पे एक सुरंग है गाइस, जैसे भम भम भोले की, जिसे हम गुफा कह सकते हैं वैसी वाली। और ये छोटा सा हमने एक ब्रिज जगह इसको क्रॉस किया, अभी यहाँ से आगे आगे छोटा छोटा रास्ता है, और वहाँ पे लेके जाएंगे आपको गाइस। अंदर पता नहीं, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा आपको दिखा पाएँ वहाँ पर क्या चीज़ है अंदर। और एक मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, वो आगे चल रहे हैं, उनका कहना है कि हमें वीडियो में दिखाना नहीं है उनको, वो नहीं आना चाहते कैमरे में इसीलिए। लेकिन चलो हम आपको ले कर चलते हैं वहाँ पे, और अभी देख लीजिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए भाई यहाँ पे हम रुके हुए हैं, और नीचे देखिए नदी, इतनी चिनाब नदी है ये, जो मैंने बोला था आपको कि दिखाऊँगा, तो वो चिनाब नदी है ये। अभी फ़िलहाल गाइस मैं थोड़ा सोया हुआ था, और सोने के बाद अभी उठा हूँ, चला मैंने सोचा कि आपको ले चले वहाँ पे उस जगह पे। तो इस तरफ जाने वाले हम यहाँ से, ये देख लीजिए इस तरफ जाएंगे, आगे रास्ता और पीछे उधर जाना हो, और नीचे देखिए चिनाब कितनी बह रही है आराम से, ये वही चिनाब है गाइस, चिनाब नदी, ये देख लीजिए इधर, यहाँ पे भी कितना गाइस जंगल है एकदम। देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये अभी थोड़ा सा रास्ता कठिन है आगे, तो इसीलिए थोड़े पेड़ जो पौधे छोटे छोटे गाइस रास्ते में कांटे जा रहे हैं, उनको काट काट के हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे फ्रेंड काट रहे हैं, और साथ ही साथ में ये देख लीजिए ये झाड़ियाँ कांटे वाली झाड़ियाँ गाइस, ये रास्ते के बीच में देख लो अभी काटी है हम लोगों ने, काट के साइड में किए, और अभी जा रहे हैं यहाँ पे, तो पानी पानी भर रखा है गाइस रास्ते में, तो शूज़ मेरे पूरी तरह गीले हो गए हैं, यहाँ पे इतना गाइस पानी वानी हो रखा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम पाँव रखेंगे तो फिसल भी सकते हैं गाइस। ये देख लीजिए नीचे, ये इतना
चिकना सा पानी है गाइस इसके ऊपर और फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। और मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई है, मैं पैंट या ट्राउज़र नहीं डाला गाइस, वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ये रास्ता गाइस, इतने इतने पत्थर पड़े हुए हैं, ऊपर से पहाड़ के ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होती है और यहाँ पर आती है लैंड स्लाइडिंग होके। ये देख लीजिए फेंसिंग हो रखी है दीवार ये वाली, ताकि इस रास्ते से जाते टाइम कोई नीचे ना गिर जाए। गाइज पहले पहले हम लोग जब आपको बताया जा सके वीडियो, मैंने हम लोग वहाँ पे सामने बाइक लगाते थे और वहाँ से इधर आते थे, लेकिन अभी पानी देख लीजिए। और जब कहीं भी यहाँ पे इमरजेंसी वाला काम होता है गाइज, तो यह इसी रास्ते से आते हैं। तो चलो अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कैमरे में आगे वाला एरिया। अगर आपको थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नदी बह रही है गाइज साथ में, तो उसकी ज़्यादा आवाज़ होगी। गाइज ये देख लीजिए यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे हम, ये अभी पूरी तरह से देख लीजिए आगे पेड़ है इसके और बीच में सुरंग है यहाँ से पीछे। तो अभी इसको हमारे फ्रेंड है जो वो काट रहे हैं, अभी काट कूट के इसको साइड में करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हम अंदर जाएंगे क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है आगे, तो इसलिए अंदर नहीं जाएंगे फिलहाल, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो चलो यहाँ से इसको पहले सफाई कर देते हैं, फिर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। रास्ता पूरी तरह से क्लियर कर दिया, ये देख लीजिए। तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर, ये देख लीजिए अंधेरा बहुत है पीछे, ये टॉर्च भी हमने लाई है साथ में, ये देख लीजिए सुरंग यहाँ से पीछे। अभी कोशिश करेंगे कहाँ तक जा सकते हैं, तो चलो चलते हैं और आगे की तरफ का कैमरे में मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए हमने एकदम से उसको साफ़ कर दिया है और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख लीजिए ये सुरंग कितनी पतली है, यहाँ से आपको बाहर से दिख रही होगी। और अभी हम यहाँ पे टॉर्च से आगे पीछे लाइट लगा के देख रहे हैं ताकि कुछ साइड पे बैठा ना हो। तो अंदर जाने की कोशिश है, तो चलो चलते हैं। यहाँ से देख लीजिए नीचे पानी कितना भर रखा है, अगर आपको देख लीजिए मेरे शूज़ भी गाइज पूरे पानी में भीग गए हैं, और पानी में डूब गया था पूरी तरह से। और यहाँ पे थोड़ा गाइस पानी गिर रहा है ऊपर से और कैमरा स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अंदर गाइस एक हाथ में मैंने टॉर्च पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से फ़ोन जो पकड़ा हुआ है। लेकिन देखिए पानी की बूंदाबांदी आपको बीच में दिख रही होगी कितनी हो रही है। और ये देखिए नीचे गाइस, सबसे ज़्यादा फोकस मैं नीचे और साइड में कर रहा हूँ ताकि कुछ साइड्स में स्नेक वगैरह ना बैठा और कहीं हमें ना दिख जाए और हमारे पे हमला ना कर दे गाइस, कुछ ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। तो देख लीजिए यार ये सुरंग कुछ अजीब से है अपने इसमें, देखिए आप आगे आगे जाने की कोशिश करें। लेकिन आगे आपको बता दें कुछ पक्षी हैं गाइस जो उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ में मेरे फ्रेंड भी हैं गाइस पीछे आ रहे हैं, तभी मैं टॉर्च कभी पीछे घुमा देता हूँ क्योंकि पीछे उसको अंधेरा लग रहा है इसलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए पहाड़ एकदम से पूरा का पूरा आपको क्लीन और साफ़ सुथरा, जैसे बर्फ़ होती है गाइस वैसा दिखेगा। ये देख लीजिए उस इस जो गुफा का एंड है गाइस सुरंग का, वो पीछे दिख रहा है। इसको हम टनल तो नहीं कह सकते गाइस क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा सा है। ये कैसे बना है ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमको हिस्ट्री बताने के लिए इसकी कोई भी नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम अंदर जाने की। और भाई इतनी बारिश हो रही है यार, क्या ही बताऊँ आपको, ऊपर से पूरा गीला हो चुका हूँ मैं पूरी तरह से। ये देखिए बूंदाबांदी, इतनी पहाड़ी के बीच में से पानी गिर रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पहुँच गए हम, ये पहाड़ पूरी तरह से आपको चारों तरफ से इतना भाई अंदर से हॉट, और मतलब कि एक मजबूत जिसे कह सकते हैं वो फाउंडेशन है गाइस इसकी, पहाड़ी इतनी मजबूत है। और ये मेरा फ्रेंड अभी आगे थोड़ा निकल गया है तो बोल रहा है कि इधर देख के चलेंगे आगे। ये देख लीजिए गाइज़ यहाँ पे आप कुछ ब्लैक कलर में दिख रहा होगा गाइज़, ये शिवलिंग है गाइज़। आप यहाँ से हमने देखा, जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जूम भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पानी फ़ोन के ऊपर गिर गया है। ये देख लीजिए दो छोटे छोटे ब्लैक कलर में आपको कुछ दिख रहे होंगे गाइज, ये है। आगे जाने की हमने कोशिश नहीं की क्योंकि हमारे देख सकते हैं यहाँ पर कितने पक्षी उड़ रहे हैं, और साथ ही साथ में हमने शूज़ लगाए थे ये पीछे वाली साइड, तो बहुत आगे चले गए थे हम, इसलिए हमने आगे जाने की कोशिश नहीं की। और यहाँ से कुछ नीचे गाइज यहाँ पे हमको गोबर दिखा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ मवेशी वगैरह आया हो जानवर, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको। अब वापस चले यहाँ से। तो गाइज फाइनली हम अंदर से होके आ गए हैं, आप देख सकते हो मेरा जो सिर है गाइज पूरी तरह से भीग चुका है, कपड़े भी भीग गए हैं वो इस वजह से, क्योंकि भाई अंदर बहुत पानी गिर रहा है ऊपर से इसके ऊपर से। और आप देखिएगा इसके बीच में हमने एक शिवलिंग देखा है गाइज, बम बम भोले का, और पीछे जाके और हमने कोशिश की है क्योंकि पीछे गाइस बहुत ही जो पक्षी हैं गाइस वो जिन्हें चमगादड़ कहते हैं वो घूम रहे थे, और वहाँ हम नहीं गए, उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। लेकिन गाइस मैं क्या ही बताऊँ, मैं और मेरा फ्रेंड अंदर गए थे गाइस, पूरी तरह से भीग चुके हैं और पूरी
सुरंग का गुफा का आपको वीडियो में व्यू दिखाया, तो लाइक करना, शेयर करना। इसी के लिए मैं स्पेशल आप लोगों को ये चीज़ दिखाने आया था। इतने पेड़ थे गाइस यहाँ पे बाहर, और आपको उधर पूरी तरह से जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने पूरी सफाई कर दी है एकदम से। आप देख सकते हो जब आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता था यार, लेकिन आप देख लीजिए ये सुरंग आपको अंदर जाते हुए यहाँ से दिख रही है। और हम दोनों एकदम से गीले हो चुके हैं। ये मेरे सिर पे देखिए कितना पानी पड़ा है, ये सारा का सारा आपको बता दूँ अंदर है इसके। और बीच में गाइस हमने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा है कि जैसे आप हो सकता है किसी जानवर का गोबर था गाइस, लेकिन जब यहाँ पे गाइस इतना बाहर से बंद हुआ था तो अंदर बंदा ये समझ के जा नहीं सकता कोई जानवर, जैसे कि गाय भैंस या ऐसा बैल, ऐसे कुछ अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे गोबर था, हो सकता है नंदी महाराज हों शिव भगवान के, लेकिन क्या ही पता है। आप वीडियो में आप अंदाज़ा ज़रूर लगाना, और वीडियो में गाइस भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाहर भी बारिश स्टार्ट होने वाली है अभी, इसलिए हम भाग के वापस जा रहे हैं अपने स्टेशन पर। तो चलो, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।